Hello everyone, very good morning. Okay, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने कल किया था, लास्ट क्वेश्चन. तो इसमें आपको ये कहा गया था कि आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर एच का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना. तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग लगा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको निकाल के बता देता हूँ. यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये सिग्मा कॉस थीटा 1/3 जो कि है जी का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा 1/3 है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट 2 × 0 प्लस 1 × x कोऑर्डिनेट ऑफ एच, ठीक है, 2 × 0 प्लस 1 × x कोऑर्डिनेट ऑफ एच अपॉन 2 + 1. प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, तो मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ. यहाँ पे 3 और ये 3 कट जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ h यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा 1 माइनस 2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ h आ जाएगा साइन थीटा 1. अब आपको पता है सिमिलरली ना, एग्जैक्टली एवरीथिंग विल बी हैपनिंग सिमिलर, तो साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, ठीक है. तो ये आ जाएंगे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा. तो We have done this particular topic. क्या सीखा था अपने कल, कोई भी सर्कल हो अपने पास, कोई भी सर्कल है ना, स्पेशली अगर वो उसका सेंटर ओरिजिन है, अगर किसी सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, ठीक है. तो कल का रिविजन करा रहा हूं मैं, इसको लिखना मत, डोंट राइट दिस, जस्ट ऑब्जर्व. तो अगर कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है, तो और उसका रेडियस अगर r है, r, ठीक है, तो उस सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना है, एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, तो आप वो सर्कल पर पॉइंट ऐसे मत अज्यूम करो x1, y1. उससे क्या होगा ना कि आपके पास दो दो अननोन आ जाएंगे, x1 और y1. आप ऐसे भी कुछ मत अज्यूम करो कि a, b, समझ रहे हो ना. तो आप दो अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दो अननोन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और दो अननोन इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. ज्यादा मेहनत थोड़ी करना है, इसलिए अपने को क्या करना है, कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करोगे सर्कल पर, तो अज्यूम करें उसको इस तरीके से, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है. उससे होगा क्या कि आर तो अपने को पहले से पता है, बस थीटा अननोन है ना, कॉस थीटा साइन थीटा मत सोचो, थीटा अननोन है, तो आपको थीटा एक ही अननोन पता चल रहा है, एक ही अननोन है, तो एक अननोन निकालना ज्यादा आसान है, दो अननोन निकालना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है. जितने अननोन्स रहते हैं उतना मुश्किल क्वेश्चन होता जाता है, ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लाइन एंड द सर्कल. देखो भाई, लाइन एंड सर्कल, तो देखो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या रिश्ता होता है, ये पिछला चैप्टर है और एक करंट चैप्टर है. दिस इज प्रीवियस चैप्टर, दिस इज करंट ऑनगोइंग चैप्टर. तो अब हम दोनों चैप्टर्स के बीच में रिश्ता ढूंढने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है लाइन और सर्कल के बीच में, ठीक है. तो लाइन ax + by + c = 0, और सर्कल मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से है. सर्कल को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, अभी तक अपन ने एक टर्म सीखा था, क्या सीखा था बच्चों, मैं आपको बताता हूँ. पहले सर्कल की इक्वेशन हम मान लेते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है. ओके, तो अब यार लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, टोटल तीन रिलेशन हो सकते हैं, है ना, टोटल तीन रिलेशंस हो सकते हैं. पहला रिलेशन ये हो सकता है कि जो सर्कल है और जो लाइन है,
वो दोनों दूर दूर रहे। ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्कल और लाइन है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, आई मीन द सर्कल एंड द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और ज्यादा अच्छा ये बोलना रहेगा कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है या लाइन दूर रह सकती है, या एक और पॉसिबिलिटी होती है दैट इज द लाइन टचेस द सर्कल इस तरीके से। तो लाइन सर्कल के साथ तीन हरकत कर सकती है, आइदर वो उसको दो पॉइंट पर कट करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना, आइदर वो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे, या उसको एक पॉइंट पर टच करे, या फिर उसको ना ही कट करे ना ही टच करे, नाइदर कट्स नॉट टचेस द सर्कल। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हम कैसे पता करें कि लाइन सर्कल को कट करती है हमको। अब यार आपको मान लो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी और एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, पर आपके पास फोटो नहीं है, यू कैन नॉट ड्रॉ एवरी डायग्राम। आप इस चीज को सोचो, यू कैन नॉट ड्रॉ एवरी डायग्राम, यू कैन नॉट डू दैट। तो बिना डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि यार डायग्राम डायग्राम समझ रहे, आप फिगर ड्रॉ करें, बिना फिगर ड्रॉ करें आप हमेशा नहीं बता पाओ, कभी नहीं बता पाओगे कि सर्कल और लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है या फिर कट कर रहा है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू डू वन थिंग, व्हाट वी नीड टू डू, हम पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लिखिए मेरे साथ, जस्ट अ मिनट, मैं इस फिगर को सही कर देता हूँ। ये फिगर जो है इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल जो है दैट इज ऑलवेज नोन टू अस माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या है ये, ठीक है, और रेडियस भी हमको पता है सर, ये रेडियस क्या है आर। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि कोई लाइन सर्कल को कट करती है या टच करती है फिर नाइदर कट्स नॉट टच, तो कैसे करोगे आप पता, आप क्या करो कि कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे टच, देखते हैं एनीवन। ये पॉइंट जो है ना सर्कल का सेंटर, वहां से डिस्टेंस निकाल लो लाइन का, लाइन का और सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो, और अगर वो डिस्टेंस पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, सोच कर देखिएगा, अगर वो रेडियस से छोटा है, अगर वो रेडियस से छोटा है तो क्या हो रहा होगा, लाइन डेफिनेटली सर्कल के अंदर होगी, मतलब कट कर रही होगी, है ना। और अगर वो डिस्टेंस पी एग्जैक्टली रेडियस के बराबर आ गया, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस ही दिख रहा है आपको, अगर ये रेडियस के बराबर ही हो गया तो इसका मतलब लाइन इज टैंजेंट, और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हो गया, आप देख रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस रेडियस से एक्सीड हो गया, अगर रेडियस एक्सीड हो गया तो द लाइन इज नाइदर टैंजेंट नॉट नॉर सिकेंट। मतलब ये पहला वाला केस तो सिकेंट हो गया, दूसरा वाला टैंजेंट हो गया। ये सब अपन ने थोड़ा थोड़ा टर्म्स जो है ना, टैंजेंट एंड सिकेंट, ये अपन ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। So I will write all the cases. ठीक है, तो केस वन ही हो जाएगा कि पी इज लेस देन आर। देखिए, इफ पी इज लेस देन आर, द लाइन intersects the circle at two distinct points, that is, it is tangent, no, it is secant to the circle. Case two, अगर perpendicular जो है वो gradient से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, the line
ना इधर, कट्स और टचेस द सर्कल, ठीक है। और केस थ्री, जिस केस में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, ओके। पी यहां लिख लो, लेट पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance between the line and center of the circle. ठीक है। और अगर P बराबर आ गया R के, P अगर R के बराबर आ गया तो क्या होगा, वो भी हम लोग देखते हैं। P is equal to R, then the line is tangent to the circle. The line is tangent to the circle. The line is tangent to the circle. Okay. तो ये एक तरीका है पता करने का कि लाइन टेंजेंट है कि नहीं सर्कल से। यस प्लीज राइट इट डाउन। Take for what values of m the line 3x minus my plus 5 equals to 0 become. Becomes tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0. For what values of m the line this becomes tangent to the circle. सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखा करो, क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। We have been given a circle, और फटाफट में कोई सर्कल का सेंटर आप बताओ क्या होगा, रेडियस क्या होगा। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 2 सेकंड में पता हो जाना चाहिए। The center of the circle will be plus 2 minus 3. Yes, exactly, plus 2 minus 3. तो ये कर देंगे अपन plus 2 minus 3 और values of m for which the line becomes tangent to the circle. अभी एक ये जो लाइन है वो सर्कल से टेंजेंट बन जाए, तो ये लाइन है वो सर्कल से टेंजेंट बन जाएगी अगर, तो क्या होगा ना कि ये O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और रेडियस क्या है सर्कल का, कोई भी मुझे बताना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। रेडियस इज जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया करो, सेंटर का स्क्वायर फटाफट, क्योंकि ये माइनस जी माइनस एफ होता है, माइनस जी का स्क्वायर और जी का स्क्वायर सेम होगा, माइनस एफ और एफ का स्क्वायर सेम होगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब ये वाला, तो इसका माइनस थ्री लिखना पड़ेगा अपने को. सो वी आर एट 13 एंड प्लस 3 16, 16 का अंडर रूट इज 4. सो रेडियस आ जाएगा मेरे पास 4 के बराबर. तो 3x माइनस एम वाई प्लस 5 इक्वल्स 0. ठीक है, तो सेंटर से ये लाइन का डिस्टेंस अगर अपन निकालेंगे तो 4 के बराबर आएगा. रख दो इसको 2.3. तो देखो क्या करना है, डिस्टेंस निकालते आता है आपको पक्का हर किसी को. देखो डिस्टेंस जो है दैट इज रेडियस, है ना, रेडियस मतलब 4, दैट इज इक्वल टू ओपी. इसको मैं ओ एम बोल देता हूँ, ओ एम. तो 4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे अपन, ये 2, -3 को लाइन पर रख देंगे. 2, -3 को लाइन पर रख देंगे तो 3 इधर 2 आ जाएगा. यही करते ना, आपको आता है डिस्टेंस निकालते, जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा उसको आता होगा. माइनस 3 को रख देंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ 3 प्लस 5 होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और m स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक है, तो खोल दो, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, तो प्लस माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 9 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. तो देखिए 6 प्लस 5 11 प्लस 3 एम. नाउ प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ एम. एम का वैल्यू आप लोग मुझे सॉल्व करके प्लीज बताएं. 4 4 16, 9 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 3 एम, है ना. 16 9s are 144 plus 16 m square, this is equal to 11 plus 3 m. So here we have 16 m square minus 3 m, or 144 minus 11 ho jayega 133. Theek hai, to yahan se aap do it yourself karke m ka value nikal sakte ho. M ka value jaise hi aa jayega wahi apna answer hai. Theek hai, kya pucha tha aapse ki m ka value kya hai, taki circle jo hai इस लाइन के साथ टेंजेंट हो जाए. लाइन के साथ टेंजेंट होगा मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो वैसे भी परपेंडिकुलर होता है तो मैं सिर्फ डिस्टेंस बोलता हूँ, तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस, है ना, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. प्लीज राइट इट डाउन. अच्छा यहाँ पर मैंने ना स्क्वायरिंग इस तरफ नहीं करा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. यू शुड हैव स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स ना, तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन हियर. इसके बाद आप वैसे भी खुद से कर लीजिए बिकॉज थोड़ा सा बड़ा बड़ा आंसर आएगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए मुझ पर रिलाई करो. एक और तरीका होता है पता करने का, है ना, अल्टरनेट वे. अल्टरनेट वे क्या चीज का अल्टरनेट वे बताता हूं मैं आपको. ये पता करने का कि एक लाइन और एक सर्कल
टेंजेंट है या सिकेंट है या नाइदर है ना, इसको पता करने का एक और तरीका, वेदर लाइन इज टेंजेंट और सिकेंट और नाइदर टू दिस सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन रहेगी और सर्कल की इक्वेशन रहेगी। आप क्या करो ना, जो लाइन की इक्वेशन है और जो सर्कल की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, ax plus, yes, ask me the doubt. सर की मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक, और ये रहेगी सर्कल की इक्वेशन, पढ़ लिया था मैंने आपको मैसेज, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी प्लस टू जीरो। आप क्या करो ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला तरीका तो क्या था, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये वाली जो लाइन है, जैसे आपको यार देखो सुनो, बचपन में आपको ये सिखाया गया था ना, स्ट्रेट लाइन वन स्ट्रेट लाइन टू, दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया गया था क्लास टेंथ में, क्या सिखाया गया था कि दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तीन मेथड से आप दो स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन निकाल सकते थे, है ना। So same way, in the same way, what we can do, कि दो कोई भी कर्व, कोई भी दो कर्व को आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एक लाइन हो एक सर्कल हो, चाहे वो दो सर्कल्स हो, चाहे वो एक पैराबोला हो और एक सर्कल हो, समझ रहे हो। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, हायर टॉपिक्स पढ़ते जाओगे, आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि दोनों लाइन्स को आप सॉल्व कर सकते हो, और दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। उसी तरह से लाइन और सर्कल को सॉल्व करोगे तो भी आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि हम जब लाइन को सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे दो लाइंस को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि यहां से वाई उठाया और इसमें डाल दिया दूसरी वाली लाइन, याद है ना आपको। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, जैसे 3x plus y is equal to 2 और 2x plus 7y is equal to 3 मान लीजिए। तो यहां से आप y का वैल्यू कैसे निकालते, 2 minus 3x, इसको y को निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे कुछ करते थे हम लोग, याद है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो द सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग एनी टू कर्व्स, कोई भी दो कर्व, चाहे वो दो सर्कल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सर्कल एक लाइन ही क्यों ना हो, इनको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। तो यहां से लाइन से y उठा के सर्कल पर डाल दो, ये काफी टीडियस, काफी खतरनाक तरीका हो जाएगा, बट फिर भी ऐसे किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, लाइन में से y उठा दो, कैसे उठाओगे, देखो बी वाई इज इक्वल टू ये जो ax है और ये जो c है, इसको RHS में फेंक दो, तो माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, माइनस ax प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, ये y को उठा के अपन दूसरी इक्वेशन में डाल देते। क्या करा अपन ने, पहली इक्वेशन में से y निकाला और दूसरी इक्वेशन में डाल दिया, और हम दोनों को सॉल्व करना चाहेंगे। तो जब y उठा के आप दूसरी इक्वेशन में डालोगे, पुट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये y को उठा के सर्कल में डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन बी, इसको डाल दोगे सर्कल पे, तो माइनस तो वैसे भी यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह डाल दो, तो माइनस तो वैसे भी गायब हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस सी अपॉन बी। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ये थोड़ा सा दिखने में बहुत खतरनाक लगेगा, बट मेरे को इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। देख रहे हो, ये एक्स की जगह छोड़ दो, वाई यहाँ पर आपको पुट करना, तो टू एफ वाई की जगह क्या डाल दोगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस जीरो। यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। हमने क्या करा है कि वाई उठा के बस सर्कल पे डाल दिया है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी दो कर्व का अगर सॉल्व करना होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसको पूरी तरह नहीं खोलने वाले, बस यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन रहेगा। बेटा ये बताओ, ये तो क्या है, बी कॉन्स्टेंट है, इसको भूल जाओ।
जब अपन यहाँ पे ऊपर ax प्लस सी को एक्सपैंड करेंगे, ax प्लस सी को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा एक टर्म, x की डिग्री 2 है ना, x की डिग्री 2 आएगी ना, हाईएस्ट पावर तो 2 ही आने वाली है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल, तो आपको x में क्वाड्रेटिक मिलेगी बेसिकली, नाउ वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन x, क्योंकि यार आपको x स्क्वायर मिलेगा हद से हद, और सेकंड हाईएस्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, x की पावर 1 का, x की पावर 1 का मिलेगा, नाउ वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है, तो देखो क्या होगा कि उस क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं, दो रूट हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है या जीरो रूट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो हमको कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी, इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक हमें मिल जाएगी, हमें कोई मतलब, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको पूरी तरह से एक्सपैंड करके सिंपलीफाई करने में, या जब भी हम एक्सपैंड करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, ये दोनों फिर एक्स के कोएफिशिएंट मिलेंगे, सबको जोड़ तोड़ के अपन ऐसे लिख पाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है, दो रूट हो सकता है या जीरो रूट हो सकते हैं, सही है ना, तो केस वन, केस वन ये हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएं, दो रूट्स का बात है किसी भी क्वाड्रेटिक के, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, ये तो अपन ने पढ़ रखा है, केस वन ये हो सकता है, केस टू ये हो सकता है, मैं आपको सब सिखाऊंगा, ये केसेस का मतलब क्या है वो भी सिखाऊंगा, आप चिंता मत करें, केस टू ये हो सकता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है That is b square minus 4ac, वो less than 0 आ जाए, और केस 3, ठीक है, केस 3 हो सकता है, अच्छा इसको equal to 0 कर दो, मैं आपको sequence से समझा देता हूँ, केस 3 हो सकता है कि वो जो quadratic बनेगी उसका discriminant that is b square minus 4ac वो less than 0 आ जाए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अपन ने लाइन और सर्कल को सॉल्व करा, लाइन और सर्कल को सॉल्व करने का मतलब ये हो गया, देखो ये रहा सर्कल और यही लाइन, यही लाइन, अगर आपने लाइन, आपने लाइन और सर्कल को सॉल्व करा और आपके पास जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसके दो अलग अलग रूट्स आ गए एक्स वन और एक्स टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं लाइन और सर्कल के बीच में, लाइन एंड सर्कल आर शेयरिंग टू पॉइंट्स, ऐसा हमें फील होना चाहिए, तो मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन दैट वी आर गेटिंग टू रूट्स, ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन दैट द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जा रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, अपन एक्स कोऑर्डिनेट से ही खुश है, उस एक्स कोऑर्डिनेट को दोबारा आप किसकी लाइन की इक्वेशन में डाल देना, ये x कोऑर्डिनेट को आप दोबारा लाइन की इक्वेशन में डालोगे या सर्कल की इक्वेशन में डालोगे, क्योंकि यार ये पॉइंट जो है वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, तो ये x1 को आप लाइन पे डालोगे तो आपको y1 भी मिल जाएगा, है ना, सिमिलरली आपको y2 भी मिल जाएगा, मेरे को y1 y2 से मतलब नहीं, मैं तो बस आपको लॉजिक समझाना कि जब दो रूट्स आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन एंड सर्कल आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अपन क्या बोलेंगे, लाइन बिकम्स सेकेंट टू द सर्कल, और इस केस में आप क्या बोलोगे, लाइन बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, ये रहा सर्कल
और ये रही लाइन, तो लाइन जो है वो टेंजेंट हो गई सर्कल पे, मतलब एक यार एक रूट आने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनो आप, आपने लाइन को और सर्कल को सॉल्व करा और आपको एक ही रूट मिला, मतलब ऐसा एक ही पॉइंट है जो लाइन और सर्कल शेयर कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है जो लाइन और सर्कल शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग जस्ट वन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट्स अ टेंजेंट, द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। और अगर डी नेगेटिव आ गया मतलब क्वाड्रेटिक का रूट नहीं है यार, आप लोग देखो पता नहीं बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अभी तक समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है उनके साथ। बेटा ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, ये अपन 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट नहीं, ये क्वाड्रेटिक क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्या है, लाइन और सर्कल की तो इक्वेशन है जिसको अपने सॉल्व किया है, तो अगर रूट ही नहीं है तो लाइन विल लाइन इज नाइदर सेक्टर लाइन इज नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, तो इसका मतलब लाइन इज नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड टू द सर्कल, ये रहा सर्कल और यही लाइन, लाइन इज आउटसाइड, ठीक है। हालांकि ये जो दूसरा वाला तरीका है ये हम कम यूज करते हैं, वी यूज इट वेरी रेयरली, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन छोटा सा चेक। वेदर द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू टू इज टेंजेंट secant or neither, to the circle x square plus y square is equal to 9. Okay, halaki it's a very easy question, it can be done graphically, you can draw this circle, you can draw this line एंड यू कैन इजिली कंक्लूड कि क्या हो रहा है, बट अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ये टेंजेंट है या सेकेंड है, तो आप क्या करो, ये जो लाइन है और ये जो सर्कल की इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यहां से आप वाई उठा के यहाँ डाल दो या आप यहां से एक्स उठा के यहाँ डाल दो, कुछ भी जैसा आपका मन करे। मैं यहां से वाई उठा लेता हूँ, वाई हो जाएगा टू माइनस एक्स, वाई को उठा के यहाँ पे डाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह डालते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिस इज इक्वल टू 9। ये ठीक है, ये तकलीफ किसी को, तो ये हो जाएगा 2x square minus 4x, right? And 4 minus 9 is what? Minus 5. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बनी। अब ये क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आएंगे वो अपने को बस पता करना है मेरे को। सुनो बच्चों, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि लाइन कट करेगी या टच करेगी या कुछ भी नहीं करेगी, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। Just have to find whether it touches or cuts the circle or it doesn't, मतलब समझ, neither वाले केस। तो क्या करेंगे, इस quadratic को solve करने से पहले इसका discriminant निकालें। इस quadratic का discriminant आप कैसे निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे इसका discriminant, b square minus 4 into a into c, so 16 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40, माइनस 40 आएगा ना, तो प्लस 40 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 56। डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा,
डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है क्वाड्रेटिक का, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन और सर्कल को हमने सॉल्व किया और हमारे पास दो आंसर है, लाइन और सर्कल को सॉल्व किया हमारे पास दो आंसर है, तो ये रही लाइन सॉरी ये रही सर्कल और ये रही लाइन, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो अलग अलग आंसर है, दो आंसर आए हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफोर द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इज दैट ओके। अच्छा तो ये इसका मतलब क्या हो गया, लाइन इज सेकेंड टू द सर्कल, लाइन इज सेकेंड टू द सर्कल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सेकेंड एंड टेंजेंट, टेंजेंट और सेकेंड की परिभाषा। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमको आता है, बट देखते हैं कितना आता है। एक मिनट, किसका कमेंट है सर, प्लीज स्क्रोल अप जस्ट अ मिनट। ओके यहां तक आप लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, हाउ टू डिफाइन टेंजेंट फॉर अ सेकंड डिग्री कर्व। देखिए हमारे पास एक सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व आप समझते क्या होता है, कोई भी ऐसा कर्व जिसमें ऐसा मोड होता है, मोड मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसमें एक मोड रहे, टर्न रहे। अब इस टर्न वाले कर्व में अगर आपने एक लाइन बना दिया जो इस कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर, ठीक है, तो वो लाइन अभी फिलहाल क्या कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज अ सेकंड, सेकंड ऑफ द सेकंड डिग्री कर्व। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दो अलग अलग पॉइंट पे कर्व को कट किया जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको, दो अलग अलग पॉइंट पे कर्व को कट किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये पॉइंट क्यू को मैं थोड़ा सा खिसका के नीचे कर देता हूं, अगर आप मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करवा देता हूं तो पॉइंट क्यू यहां पर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट क्यू यहां पर आ जाएगा, और पॉइंट पी को भी मैं स्लाइड करा देता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम भी बेटा नीचे चले जाओ, मैंने इसको धक्का मार दिया अगर मैंने इसको, तो ये बेचारा नीचे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच गया, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये अभी भी सेकंड है, ये अभी भी सेकंड है, फिर मैंने क्यू को और नीचे धक्का मारा, मैंने बोला कि भाई तू और नीचे जा, पी को भी मारा तू भी नीचे जा, तो वो नीचे आया, फिर जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करा है ना, तो भी हमारे पास जो लाइन आई वो अभी भी इट इज अपीयरिंग एज सेकंड टू द सर्कल। यार एक और धक्का मारोगे आप, ऐसा धक्का मारते जाओगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा धक्का मारते मारते कि P और Q दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, P एंड Q विल कोइंसाइड ईच अदर एंड दे विल बिकम अ सिंगल पॉइंट, दे विल बिकम अ सिंगल पॉइंट, एंड इन दैट केस इफ यू जॉइन दैट पॉइंट विद द लाइन, आपको तब क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा एक ऑरेंज कलर की लाइन ये वाली जो है, तब आपको टेंजेंट मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, समझो इस चीज को आप समझो अच्छे से, कहने का मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट आया है वो कैसे आया है, सॉरी हाँ जी, ये जो टेंजेंट आया है ये ऑरेंज वाला वो कैसे आया है,
वो सीकेंट से आया है, सीकेंट जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था PQ पर, वो दोनों पॉइंट्स जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आते गए, दे केप्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड एट वन पॉइंट दे कोइंसाइडेड ईच अदर। जब एक दूसरे को उन्होंने कोइंसाइड कर लिया, उस मोमेंट पर ये जो टेंजेंट था लाल वाला वो एक सीकेंट, सॉरी ये जो सीकेंट था लाल वाला वो एक टेंजेंट बन गया ऑरेंज वाला। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि टेंजेंट वेंजेंट कुछ नहीं होता है, जो सीकेंट होता है ना, बस सीकेंट के जो दोनों पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, सीकेंट के दोनों पॉइंट पास हो जाते हैं तो टेंजेंट बन जाता है। मतलब टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, मतलब सीकेंट को अपन धीरे 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 दोनों पॉइंट को पास करेंगे तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पी और क्यू एक दूसरे के क्लोज आएंगे वैसे वैसे ये पॉइंट के बीच की दूरी घटती जाएगी, और जब एक दिन ऐसा आएगा कि एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, उस दिन ये जो सीकेंट वाली लाइन है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई या टच करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तब वो पॉइंट, तब वो लाइन जो है वो टेंजेंट कहलाएगी टू द सेकंड डिग्री कर्व। तो आपको क्या समझ में आया कि टेंजेंट किससे बना है, सीकेंट से बना है। जस्ट लाइक जो पनीर है वो दूध से बनता है, उसी तरह से सीकेंट से ही बनता है टेंजेंट। टेंजेंट किससे बनता है, सीकेंट से बनता है। आपको समझना है भाई, रेसिपी समझना है टेंजेंट की। ठीक है, तो लिखेंगे अपन टेक एनी पॉइंट, मैं काफी लंबी थ्योरी लिखवाने वाला हूं, टेक एनी पॉइंट पी एंड क्यू ऑन अ सेकंड डिग्री कर्व। Now PQ is the second when both points P and Q, both points P and Q approach each other and at some point coincide each other then the secant secant becomes the tangent. थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ रही है, पता नहीं लिखते नहीं बन रहा है, बट आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर से। चलो, सेकंड बिकम्स द टेंजेंट। देयरफॉर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस limiting case of secant। ठीक है, tangent कुछ नहीं होता है, tangent secant से ही बना है भाई। आपको समझना है secant और tangent में फर्क नहीं है। secant जो है वो उस पर अपन ने थोड़ा बहुत modification करा और वो tangent बन गया, बस। अब अपन tangent तो समझ गए, normal भी समझ लेते यार। normal क्या होता है, बहुत सिंपल है नॉर्मल, तो मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि टेंजेंट जो होता है ना, देखो ये जो ऑरेंज वाला टेंजेंट है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी
इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरे, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना यार, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर तो मैं 1 करोड़ लाइन बना सकता हूँ, उससे भी ज्यादा बना सकता हूँ, लेकिन वो सारी लाइन नहीं चाहिए मेरे को, वो वाली लाइन जो इस ऑरेंज वाले टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी हो और इस पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है, ऑरेंज वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास कर रही हो, ठीक है, तो नॉर्मल को अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल का मतलब हो जाएगा अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, प्लीज राइट इट डाउन। फिर अगला हम देखेंगे कि अब टेंजेंट समझ लिया अपन ने क्या होता है, फालतू बातें ही करेंगे अपन, ये सब तो डेफिनेशन वाली बात होगी, है ना, अब हम काम की बात करेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाले भाई, काम की बात, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है। अगला डिस्कशन रहेगा हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टू फाइंड द इक्वेशन, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द इक्वेशन, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं, सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन ऑन द सर्कल, ठीक है, चलो समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है ना, इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाया मैंने, समथिंग लाइक दिस, और ये जो सर्कल पर टेंजेंट मैंने बनाया है ना, सर्कल पर मैंने जो टेंजेंट बनाया है, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये जो लाइन है, लाइन इसकी इक्वेशन को निकालनी, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये पॉइंट ए, ये हमें पता है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें पता है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो अब आपको एक ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, कोई भी मुझे बता सकता है आराम से कि इस सर्कल का सेंटर 0,0 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, इसको अपन पॉइंट ओ बोल देते हैं, तो सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, निकाल लेंगे। चलिए मुझे आप एक बार कोई भी बच्चा लॉजिक बता दे, लॉजिक कैसे, ये जो देखो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इसको सोच सकते हो, अपने आप पे अगर थोड़ा सा भरोसा रखोगे, स्ट्रेट लाइन का हल्का सा भी आपने लॉजिक लगा दिया तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ग्रीन टेंजेंट, ग्रीन कलर का जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, आई जस्ट वॉन्ट द लॉजिक, तो कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा, तरीका, so we will find the slope of AO. Exactly, exactly, very good. फिर बाद में हम इक्वेशन लिखेंगे वो y minus y1 is equal to m into x minus x1. बहुत बढ़िया, excellent.
एक्सेलेंट। देखिए इन्होंने बहुत ही परफेक्ट मेरे को सॉल्यूशन दिया है, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, कि आप क्या करो कि AO को ज्वाइन कर दो, तो ये जो AO होगा और जो टेंजेंट होगा उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। या फिर आप ऐसा देख लीजिए, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, सबने पढ़ा था ना ये चीज, सबको पता है, कोई ऐसा जिसको ये पता ही ना हो वह टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, जो 10th क्लास में जिसने नहीं पढ़ाई करी होगी उसको पता होगा, ठीक है, उसको नहीं पता होगा। खैर ठीक है, ये 90 डिग्री, तो मैंने क्या करा, इस OA का स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, देख रहे हो आपको y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, ये हो गया OA का स्लोप। तो ये ग्रीन वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये y1 बाय x1 का नेगेटिव इनवर्स, मतलब x1 बाय y1 का नेगेटिव, बस। अरे यार क्योंकि 90 डिग्री है ना यार, इसका स्लोप अगर 2 इसका स्लोप माइनस हाफ, इसका स्लोप अगर 3 तो इसका स्लोप माइनस 1/3, ऐसी तो होता है, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपने पास, तो अपन इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, नाउ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 is equal to slope times, किसका slope, ये जो tangent है, इस tangent का slope क्या हो जाएगा, minus x1 by y1, तो slope of tangent into x minus x1, यही तो लिखते थे, बस आ गई tangent की equation भाई, सच में आ गई। आप क्या सोच रहे हो, मैंने अभी क्या करा है, circle बड़ा basic लिया है, खूबसूरत circle लिया है, ये जो x square plus y square is equal to r square होता है ना, ये खूबसूरत circle होता है, ठीक है, तो मेरे पास tangent की equation आ गई, can we simplify it, yes we can, let us try to simplify it, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे है ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ये y1 को उस तरफ पहुंचा दो, तो y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x1 माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है, सबको LHS में ले आओ, तो x x1 प्लस y y1, और उसको आप है ना ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो है उसको RHS में भेज देते हैं माइनस y1 स्क्वायर, तो वी विल हैव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, रुको जरा सबर करो, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ जी, अब ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को मैं किसी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ, आई कैन रिप्लेस इट विद समथिंग, सोच कर देखो, क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 जो है ये सर्कल पर लाई कर रहा है और लाइन पर भी लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल एज वेल एज द लाइन, है ना, सो इट विल सेटिस्फाई द सर्कल डेफिनेटली, तो x1 y1 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर्कल पर x की जगह x1 और y की जगह y1 रखोगे तो LHS RHS बराबर आएगा, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, तो अपन क्या करा, पॉइंट x1 y1 यहां पे रखा, तो x की जगह x1 y की जगह y1 रखा, तो अपने पास आ गया x1 y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो इस पूरे आइटम को अपन r स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। बेटा एक चीज सुनो ध्यान से, किसी ने बहुत ध्यान से सुना नहीं, सुन रहे हो पक्का, हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर गिवन हो तो वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम ये सीख रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होना चाहिए, ठीक है, जैसे ऊपर हम लोगों ने क्या करा था कि हमने कंडीशन सीखी थी कि कभी भी लाइन और टेंजेंट जो होते हैं, सॉरी लाइन अगर सर्कल पर टेंजेंट होती है तो सेंटर से जो टेंजेंट का डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर, तो ये एक तरीका था टेंजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी हम टेंजेंट की इक्वेशन दूसरे तरीके से ऐसे निकाल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये हमें पता है, अगर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है और सर्कल खूबसूरत वाला है, एक खूबसूरत वाला सर्कल वही होता है ना जिसका 0-0 पर सेंटर हो, तो कैसे निकालेंगे, है ना, ये आ जाएगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आपको अभी इसका ट्रिक बताता हूं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन पर टेंजेंट की इक्वेशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं. अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन अगर आपने निकाला है, तो आपने अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आपको एक चीज समझ में आई होगी. क्या समझ में आई? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना. क्या करना है इसका ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक. बहुत शानदार ट्रिक जो उसका है, सबको ध्यान से देखेंगे. हमारे पास क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना. इस सर्कल पर आपको क्या करना है, टेंजेंट निकालना है. एट टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन पर टेंजेंट निकालना है. तो कैसे निकालो, बहुत सिंपल तरीका है. देखो इधर प्लीज, हर कोई ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दो एक्स इंटू एक्स वन, एक्स एक्स वन रिप्लेस कर दो. देखो ना, यहाँ पे एक्स एक्स वन करना है बस, और वाई स्क्वायर की जगह क्या कर दो, वाई वाई वन कर दो, बस आ गया टेंजेंट, खत्म. अगर खूबसूरत सर्कल है तो सिर्फ इतना सा ही काम करो, आपको और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं. यार आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने करा है, हमेशा नॉर्मल का स्लोप निकालो, फिर उसका नेगेटिव इनवर्स टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, और फिर अपन निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ऐसे आप कर सकते हो हर बार, लेकिन ना समझो मेरी बात को, आप हर बार क्यों अपन ऐसे करेंगे जब वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक. अपन ट्रिक की मदद से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो करना क्या है आपको, बस ये एक्स स्क्वायर की जगह बस एक्स एक्स वन रखना है, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन रखना है, ठीक है. तो ऐसा कर देने से आपको जो सर्कल की इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो खूबसूरत सर्कल हो गया. अगर सर्कल बदसूरत हो, मतलब सर्कल ये बड़ा वाला सर्कल हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, समझ गए ना आप मेरी भावनाओं को, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिसका भी कंसेंट्रेशन इधर उधर जा रहा है बहुत मार पड़ेगी. ध्यान से देखो सामने, ठीक है. पहले ये लिख लो अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ. तो ये तो हो गया, फिर टेंजेंट, टेंजेंट है ना, यहां पे आप क्या करो कि टाइटल अपना टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन ऑन द बड़ा वाला सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल लिख मत लेना, ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. तो ये पॉइंट पर और ये सर्कल पर अपने को बात करनी है, ठीक है. तो देखो क्या हो रहा है, पहले हमारे पास खूबसूरत सर्कल था और x1 y1 पे टेंजेंट निकालना, तो क्या करा अपन ने, x की जगह x1 y की जगह y1, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ गई. क्या करेंगे अपन, x की जगह x स्क्वायर की जगह x x1 डालेंगे, y स्क्वायर की जगह y y1 डालेंगे, और खत्म, बस आ गया अपने पास. लेकिन अगर सर्कल बड़ा वाला हो, ये मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल की इक्वेशन बड़ी खतरनाक वाली हो, तो आप क्या करें, टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है x1 y1 पर, तो उस केस में भी अपन एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं. द ट्रिक विल एक्सटेंड इन दिस मैनर, ट्रिक ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर की जगह आप फिर से वही रिप्लेसमेंट करो एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह फिर से आप रिप्लेसमेंट करो वाई वाई वन, ठीक है. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन डाला, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन डाला, और एक्स की जगह
यहाँ पे डिग्री वन वाले x की बात हो रही, डिग्री टू वाले x की बात नहीं हो रही, तो x की जगह आप डालोगे x प्लस एक्स वन बाय टू। मेरे को पता है याद करना मुश्किल है बट हो जाता है, आराम से हो जाएगा आपको विद प्रैक्टिस। y की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, y प्लस वाई वन बाय टू। ठीक है, बस ये रिप्लेसमेंट कर दोगे अगर आप, तो आपके पास जो सर्कल जो अब इक्वेशन आने वाली, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सबको आगे देखेगा, डोंट राइट एनीथिंग। यहां पर देखो x स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, x x1 प्लस, सब आगे देखो y स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, y y1 प्लस 2g, x की जगह 2 into g into x की जगह क्या डालना है आपको, x plus x1 by 2 fy 2fy, तो y की जगह क्या डालना है आपको, y plus y1 by 2 plus constant। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ रही है अपने पास, ये डिग्री वन की इक्वेशन है। डिग्री वन की इक्वेशन मतलब लाइन, x में हाईएस्ट पावर वन रहेगा और y में भी हाईएस्ट पावर वन रहेगा, सो दिस इज अ लाइन। बस लिख डालो उसको, प्लीज राइट इट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पर करके देखते हैं। Find equation of tangent. On the circle, x square plus y square is equal to 16 at point 4, 4. 4, 4 पर आपको क्या करना है, tangent का equation, sorry. एक मिनट रुको यार, एट पॉइंट टू रूट टू कॉमा टू रूट टू, समझेंगे आप। देखो क्या है कि सर्कल तो खूबसूरत है, सर्कल खूबसूरत है तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह सिंपली एक्स एक्स वन डाल दो, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है बस। तो एक्स वन क्या हो गया, टू रूट टू, तो एक्स एक्स वन डाल दिया अपने, टू रूट टू इंटू एक्स। y स्क्वायर की जगह आप क्या डाल दो, टू रूट टू इंटू y, बस और कुछ तो है नहीं, हो गया अपना काम। तो x स्क्वायर की जगह डाला मैंने टू रूट टू इंटू x प्लस y स्क्वायर की जगह डाला टू रूट टू इंटू y, और RHS में 16 रहने दिए। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा कि x प्लस y इज इक्वल टू 16 अपॉन टू रूट टू। कैसे आया है 16 अपॉन टू रूट टू, बेटे टू रूट टू और ये टू रूट टू को कॉमन ले लिया और RHS में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8 बाय रूट टू। Finally we'll get 8, x plus y is equal to 8 by root 2. तो आप क्या करो, root 2 से multiply divide कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 8 root 2 by 4, sorry 8 root 2 by 2, that is 2 4s are 8, 4 root 2 आ जाएगा, x plus y is equal to 4 root 2. यह आ गई equation of tangent, खत्म। कोई तकलीफ हुई नहीं, हुई ना? तो point of tangent से दिया होता तो question बहुत आसान होता है, find the equation of tangent at point 0, 0 on the circle. X square plus y square minus 6x minus 8y equals to zero. ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको दे रखा है, करना क्या है, x स्क्वायर की जगह आपको x x1 डालना है, x x1 मतलब पॉइंट दे रखा है ना, जीरो x1 y1 जीरो यहाँ पे। y स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है, y स्क्वायर की जगह डालना है आपको y y1, और x की जगह डालना है आपको x plus x1 by 2, y की जगह डालना है y प्लस y1 by 2, ठीक है, तो बस हो गया अपना काम। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल
कि इक्वेशन में सारे चेंजेस कर देंगे, x की जगह x इंटू जीरो, x इंटू जीरो तो जीरो ही होता है, y की जगह y इंटू जीरो माइनस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स प्लस जीरो बाई टू, और एट वाई की जगह हो जाएगा वाई प्लस जीरो बाई टू, ठीक है इक्वल टू जीरो। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ सिक्स टाइम्स एक्स बाई टू माइनस ऑफ एट टाइम्स वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, है ना, दैट इज माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, आसान, बहुत आसान, ये हद से ज्यादा आसान, ठीक है, इट्स वेरी इजी। आपका होमवर्क है डीपीपी नंबर वन, डीपीपी नंबर वन एंड टू, मैं आपको डीपीपी आज ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सी यू ऑल वेरी सून, ठीक है बच्चों, ख्याल रखो अपना एंड स्टडी वेल इन द वीकेंड, आई सी यू सून, बाय एवरीवन। सर वो संडे के टेस्ट का पोर्शन स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके सर।